नमस्कार, मैं हूं नफमा और आप देख रहे हैं हम लोग। और हम लोग आज बात करेंगे कि एक समाज के तौर पर सोशल मीडिया से हम कितना जुड़ गए हैं और सोशली कितना अलग हो गए हैं, यानी समाज से अलग थलग हो गए हैं, और जो वर्चुअल दुनिया है उससे हम कितना जुड़ रहे हैं। हाल में ब्लू व्हेल नाम का एक ऑनलाइन गेम बहुत चर्चा में रहा और उसकी वजह से जब भारत में भी बच्चे आत्महत्या करने लगे तब सरकार ऑनलाइन गेम के खतरे से जागी और हरकत में आई और फेसबुक और गूगल और व्हाट्सएप और इन तमाम इस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म को ये चेतावनी या ये कहा गया कि वो इसे बैन करें। पर इसे प्रतिबंधित करना कितना आसान, कितना मुमकिन है? क्या सोशल मीडिया जो है वो हमें बहुत एंटी सोशल बना रहा है? एक समाज के तौर पर हम समाज से कटते जा रहे हैं और फेसबुक है, ट्विटर है, ऑनलाइन गेम्स है, और हमारा जो स्मार्टफोन है वो हमें इस तरह अपनी कैद में जकड़े हुए है कि हम संवाद भूलते जा रहे हैं, आमने सामने बैठकर बातचीत करना भूल रहे हैं। हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, ये कोई अजूबा नहीं है कि हम देखें कि एक कमरे में लोग बैठे हैं और आपस में बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से नहीं जुड़ पा रहे हैं, पर वो उस दूसरी दुनिया से जुड़े हुए हैं जिसे वो जानते तक नहीं। और सवाल ये उठता है कि हम इसका इसमें एक तालमेल किस तरह से बिठाएं, जो नई जनरेशन है वो इससे किस तरह से जूझ रही है। यही टेक्नोलॉजी कहीं बहुत ज़्यादा हमें अकेला तो नहीं बना रही, हमें खोखला तो नहीं कर रही? ये तमाम सवाल आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और आज हम लोग, मैं शुरुआत करना चाहती हूँ आप तमाम लोगों से जो समाज का हिस्सा है, जिसके हिस्से हम सब हैं और हम हमारी समस्याएं एक सी हैं। तो आपके पास माइक है, आप अपना तजुर्बा बांटना चाहेंगे कि आप इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे या अपने फ़ोन या कंप्यूटर से कितनी देर जुड़े रहते हैं? मेरे नाम करने में कम से कम 3 से 4 घंटे मैं मोबाइल में गेम्स खेलता हूँ, तो मैं उसे एडिक्शन को छोड़ना चाहता हूँ। किस तरह कोई नुकसान हो रहा है आपका? हाँ, स्टडीज में। आदत कैसे पड़ गई धीरे धीरे इतनी ज़्यादा? पहले मैं धीरे धीरे गेम्स खेलता था, तो फिर मेरे को गेम में इंटरेस्ट आने लगा, तो मैं डेली ज़्यादा एक्सटेंड करने लग गया टाइम। तो फिर पेरेंट्स ने मना भी करा था मुझे कि ज़्यादा मत खेला करो, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैम, मेरे एक पड़ोसी हैं, छोटा बच्चा करीब 7 साल का, वो आज अपने मामा के फ़ोन से सेल्फी क्लिक करके मामा के अकाउंट से पोस्ट कर देता है खुद। कितना बड़ा बच्चा है? 7 साल का बच्चा है वो। अच्छा। और वो व्हाट्सएप पे भी आपको रिप्लाई करता है, तो मेरा मानना है कि आने वाले टाइम पे अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल पोस्ट कर देता है तो आने वाले समय में वो दिक्कत हो सकती है। मेरा छोटा भाई है, वो भी 7th में है, तो उसको सडनली 2 दिन पहले स्कूल से कहा गया कि आप गूगल में जीके के क्वेश्चन जो हैं वो सर्च करके लेके आओ। तो स्कूल को भी तो इसके बारे में सोचना चाहिए, देन टीचर्स भी तो बच्चों को बोल रहे हैं कि वो फ़ोन से जुड़े रहें। जी जी जी, नहीं, ये बात आपने सही कहा। बहुत सारे स्कूल में जो असाइनमेंट्स हैं वो कंप्यूटर के ज़रिए ही होते हैं, तो उसी से ये बात उठती है कि बहुत मददगार भी है कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी, पर उसमें तालमेल वो कैसे बैठे कि जो बाहर की दुनिया में हवा, पानी, खुशबू है उसको आप भूलें ना, आपके पाँव की हरकत बंद ना हो जाए, और ऐसा नहीं कि फ़ोन जो है वो आपको अपना ग़ुलाम बना ले। मेरा छोटा भाई है, 9th क्लास में है, वो अपना संडे, मतलब संडे का हाफ डे वो मोबाइल में गेम में निकाल देता है। मैं एक रूरल एरिया से हूँ, तो वहाँ पे आउटडोर स्पेस काफ़ी है जिससे वो काफ़ी गेम्स खेल सकता है, बट स्टिल वो प्रीफर करता है मोबाइल गेम्स को। जी, बच्चे बाहर खेलना भूल गए हैं और इस वजह से सेहत की भी बहुत सारी समस्या हो रही है। कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग हेल्प करने की जगह वीडियो बनाने लग जाते हैं। बिल्कुल। और एक दूसरा शौक जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइव करने का है। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसको रोज आदत थी, जब भी वो बाइक पर निकलता था इंस्टाग्राम या फेसबुक पर लाइव चलाता था। एक दिन इसी आदत से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और लोगों को फेसबुक लाइव देख के ही पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। आपने कहा कि हर चीज़ का वीडियो बन रहा है, एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। आप कहीं भी जाते हैं वीडियो बना लेते हैं। सबसे पहले मुंबई से हमारे साथ प्रशांत माली जुड़ रहे हैं जो साइबर एक्सपर्ट हैं। आपने ब्लू व्हेल चैलेंज जो है वो तो हम सब लोग जान रहे हैं और उसको लेकर अब सरकारें जागी हैं और वो तमाम खतरे सामने आ रहे हैं कि इससे क्या खतरा हो सकता है। एक बच्चे ने यहाँ पे कहा वो स्कूल में पढ़ रहा है और गेम्स की एडिक्शन जो है उसकी वो ऐसी है कि अब वो खुद परेशान हो रहा है कि मुझे इससे तकलीफ हो रही है। तो भारत में ऑनलाइन गेमिंग के रेगुलेशन की ज़रूरत क्या अब महसूस हो रही है? ये ब्लू व्हेल गेम रशिया से जो भारत तक पहुँच गया उसके बाद खासतौर पर। डेफिनेटली हाँ, मैं भारत सरकार को कहना चाहूंगा कि हमें चाहिए कि अभी एक भारत में मोबाइल गेम्स का रेगुलेटर स्थापित हो जो वो गेम्स को अलग अलग श्रेणी में उसे चेक करे, जैसे कि उसका कंटेंट क्या है, क्या वो कंटेंट बच्चों को ज्यादा वॉयलेंट बना रहा है, क्या वो कंटेंट किसी की सुसाइड के लिए कारण हो रहा है, क्या वो कंटेंट किसी को रेप करने के लिए प्रवृत्त कर रहा है, या क्या उस कंटेंट या उसके चैलेंज के बदौलत हमारे यहाँ पे मौतें हो रही है,
या हमारे कल्चरल एथॉस से वो कंपैटिबल है, ये सब देखना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि इतने सारे हादसे हो गए हैं। हमारे यहाँ गेमिंग कंपनियों को फ्री टू ऑल जैसा माहौल बन गया है। हमारे समाज से क्या सूट करा, हमारा कल्चर क्या है, हमारी सभ्यता क्या, आप कह रहे हैं उस हिसाब से भी गेम्स होने चाहिए, पर फिर वो सवाल उठेगा कि आप किस हद तक दखल दे सकते हैं कि कल्चर क्या, कहाँ पर क्या, कितना आप कंट्रोल, क्या सरकारों के लिए मुमकिन है कि आप उस स्तर पे कंट्रोल करें। देखिए हमारे यहाँ पे एक सेंसर बोर्ड है जो फिल्म के बारे में सेंसर करता है, या हमारे यहाँ पे हर वो गेम्स, आप कबड्डी ले लो, क्रिकेट ले लो, हर गेम्स के लिए एक रेगुलेटर है जो गेम्स के मायने, गेम्स के रूल्स रेगुलेशन तय करता है। फिर मोबाइल गेमिंग के लिए क्यों नहीं चाहिए, हमारे पास जरूर चाहिए, क्योंकि तभी ही जब ये गेम्स लॉन्च हो गए तब वो एक दायरे में लॉन्च हो गए। पर क्या दूसरे मुल्कों में भी है इस तरह की रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑनलाइन गेमिंग को देखने, कंट्रोल करने के लिए? चाइना में है, चाइना एक अच्छी तरह से उसे रेगुलेट करता है, रादर उनके परमिशन के बिना कोई गेम लॉन्च ही नहीं होता वहां पे। फिर जमैका में है और कई न्यू जर्सी में है, लेकिन ये सारे गेम्स जो है ये ऑनलाइन गैम्बलिंग को मायने रखते हुए ज्यादातर ये रेगुलेशंस बनाए गए हैं। लेकिन उनके दायरे में ये ऑनलाइन गेमिंग भी आता है क्योंकि मोबाइल के जरिए भी गैम्बलिंग होती है और इंडिया हमारे नंबर टू का सबसे बड़ा गैम्बलिंग देश है चाइना के बाद। जिस तरह से प्रदर्शन जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी और सीनियर एडिटर एनडीटीवी में, और तमाम गेस्ट के भी पास मैं सवाल लेके आऊंगी। प्रदर्शन जी, प्रशांत माली जो साइबर एक्सपर्ट हैं, उनका मानना है कि रेगुलेशन होना चाहिए ऑनलाइन गेमिंग पे। चीन का एग्जाम्पल दिया कि वहां पे है रेगुलेशन, पर चीन जैसा समाज हमारा है नहीं, हमारे लिए ये कितना मुमकिन होगा कि हमें मॉनिटर करें क्या लॉन्च हो रहा है क्या नहीं? देखिए रेगुलेशंस की अपनी सीमाएं बड़ी साफ हैं। इस बात को उनको समझना चाहिए कि तकनीक हमेशा कानूनों से आगे चलती है। मुझे 20 बरस पहले की बात याद है, भारत में पहली बार अपलिंकिंग की शुरुआत जब हो रही थी तो पूरे देश में तकनीकी बहस चल रही थी कि अपलिंकिंग की सहूलियत अब कैसे देंगे। वो सारी चीजें बेकार होती चली गईं क्योंकि तकनीक आपसे हमेशा दो कदम आगे होती है। आप जितने रेगुलेशंस बना लें उसके काट मिल जाएगी तकनीकी तौर पे। असल में जरूरत समाज को अपने भीतर इस बात को समझने की है कि आखिर ये इंटरनेट गेमिंग, ये पूरा का पूरा इंटरनेट का संसार जो उसके पीछे एक बाजार है, वो किन मजबूरियों का फायदा उठा रहा है। आपके परिवार बेहद अकेले हैं, बच्चे बहुत अकेले हैं, माँ बाप अपनी जगह व्यस्त हैं, बुआएं चाचियां घर पे नहीं हैं, चाचा नहीं है, सब अलग अलग अपने दुनिया में हैं। इस अकेली दुनिया में बाजार ने घुसपैठ की है और हम मान रहे हैं कि वो हमारी जरूरतें पूरी कर रहा है, जबकि बाजार सिर्फ अपनी जरूरत पूरी कर रहा है। पहले वो हमको एकाकीपन में ढकेलता है और धीरे धीरे उस एकाकीपन से एक ऐसी स्थिति पैदा कर जाता है जिसमें जिंदगी बेमानी लगने लगती है। आनंद, आप एथिकल हैकर हैं, एक तो ये एथिकल हैकिंग क्या होती है अगर हो रही है तो, और दूसरे की जिस बात की प्रदर्शन जी बात कर रहे हैं कि तकनीक हमेशा आगे चलती है दो कदम कानूनों से, तो इसका कार्ड भी निकल आएगा अगर आप मॉनिटर करेंगे तो। जब लोग हैकिंग ये वर्ड सुनते हैं तो उनको लगता है कि ये कोई इलीगल चीज है, इसको हमेशा इलीगल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। बट इसके दो कैटेगरीज होते हैं, एक होती है ब्लैक हैट हैकिंग, एक होती है वाइट हैट। वाइट हैट वो होती है जो एथिकल वाली होती है, हमारी लीगल वाली होती है, और वो इस्तेमाल इसलिए करी जाती है ताकि हम अपने खुद के डिफेंस सिस्टम्स को या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या किसी भी टाइप की चीज़ को टेस्ट कर सकें कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, यानी उसकी सिक्योरिटी टेस्ट कर सकें। एंड जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं, जो एथिकल हैकर्स होते हैं, वो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन या जो भी वेबसाइट्स, इन सब की सिक्योरिटी टेस्ट करते हैं एंड उन कंपनीज को नोटिफाई करते हैं, तो हम अच्छे के लिए काम करते हैं। ये जो हमने ब्लू व्हेल गेम्स की बात भी की, ब्लू व्हेल गेम चैलेंज, और उसके साथ चलते इतनी सारी जाने गई हैं इतने बच्चों की, इसको रोकना, जब सरकारें जब जागी हैं और आप व्हाट्सएप और फेसबुक इनको कह रहे हैं, दे रहे हैं, आप इशू कर रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि आप इसको रोकिए, कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल कर पाएंगे इसको? ब्लू, जहां तक ब्लू व्हेल का सवाल है, वो एक टेक्स्ट बेस्ड गेम है और आप एक उसमें आप एक क्यूरेटर से कनेक्ट करते हैं, तो ऐसा होता है कि वो है तो एक टेक्स्ट बेस्ड गेम, तो उसमें शब्द होते हैं जैसे ब्लू व्हेल और उसमें सारे चैलेंजेस होते हैं जिसमें एक, 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 एक करके उसमें है कि आपको चैलेंज देते रहते हैं, आप एक कदम आगे बढ़िए आगे बढ़िए। तो आप जो फोटो उसमें, आपको क्यूरेटर को फोटोज भेजनी होती हैं कि आपने ये किया, कि आपने ये सब किया, तो उन फोटोज का जो कॉन्टेंट होता है उस कॉन्टेंट को एनालाइज करके ये पता लगाया जा सकता है कि कोई ऐसे कोई सुसाइडल काम कर रहा है या नहीं। ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स
कंपनीज ने डिवाइस कर रखे हैं। पर जब जैसे लड़के बच्चे लड़कियां जो भी इसमें इन्वॉल्व है, मान लीजिए ये अगर ब्लू व्हेल गेम खेल रहा है, तो आप जैसे लोग क्या उसको उस समय मॉनिटर कर सकते हैं कि कहां कहां ये ब्लू व्हेल गेम चल रही है और किस स्टेज पे पहुंच गए कि इनको हम आप रोकें? सी, ये मेजर सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने अंदर इंप्लीमेंट करते हैं और गवर्नमेंट सिर्फ कह सकती है उनको करने के लिए। अगर हम चाहें कि हिंदुस्तान में अब ये रुक जाए, कोई और बच्चे इसको ना इस चैलेंज को टेकअप करें, तो क्या ये मुमकिन है कि आप इसको रोक ब्लॉक कर दीजिए? देखिए, ये जो गेम है ये 1-to-1 जाता है, ये कहीं से लिंक डाउनलोड करके नहीं जाता। लिंक्स हैं इसकी अवेलेबल, कहीं रशियन और चाइनीज लिंक अवेलेबल है, तो कुछ लोगों ने इसे डाउनलोड करने के लिए रशियन और चाइनीज लैंग्वेज भी सीख ली है डाउनलोड करना। तो ये पूरी तरह से मानसिकता पे आधारित गेम है। इसके इसे अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको एक पूरी पॉलिसी मैकेनिज्म पहले इन प्लेस लानी पड़ेगी और फिर उसके जरिए आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हैं, वरना ये पूरी तरह से मुमकिन नहीं है। मुमकिन तब होगा जब भी हम साइबर साइकोलॉजी पे अवेयरनेस फैलाएं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बच्चों के साथ में, और साइबर पेरेंटिंग करें। सरकार को चाहिए कि साइबर पेरेंटिंग करके बच्चों के प्रति मम्मी और डैडीज को ये एजुकेट करें कि ये ऐसे गेम्स होते क्या है और कैसे बच्चों पे ध्यान रखा जाए। इसके अलावा स्कूल में जो काउंसलर्स होते हैं उनको भी थोड़ी ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे बच्चों को आइडेंटिफाई करें कि ये वो गेम खेल रहा है नहीं खेल रहा है, ताकि उसके गेम को मॉनिटर करें। इसके अलावा हमारे इंडिया में काफी सारे मोबाइल मॉनिटरिंग साइबर पेरेंटिंग के सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनके मोबाइल्स में, बच्चों के मोबाइल्स में अगर वो हैंडल करने देते हैं तो उसमें वो इंस्टॉल करें। स्कूल्स में, आप स्कूल्स से हैं, स्कूल्स में आप लोग किस तरह से इसके ऊपर काम करेंगे? क्योंकि स्कूली बच्चों का मामला सामने आया है, तो जो वो कह रहे हैं कि टीचर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए बच्चों को कि, और मॉनिटरिंग या काउंसलिंग समझाना कि किस हद तक गेम में आप आगे बढ़ें, न सिर्फ इस गेम में पर कभी भी इंटरनेट एडिक्शन, क्या कदम इस तरह के उठाने शुरू किए हैं स्कूल्स ने? आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि ब्लू व्हेल आ गया, क्योंकि कुछ सुसाइड्स हो रहे हैं, क्योंकि इसकी डिफिकल्टीज आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें आज काम करना शुरू करना है, काम हमेशा से होता चला आ रहा है और हमें ये देखना है कि हम एक्सेस अगर दे रहे हैं, जैसे आपने शुरू में ही कहा कि इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, तो जब फायदे हैं कि हम इतनी रिसर्च कर सकते हैं घर बैठे ही, जीके के क्वेश्चंस जो हैं वो देख सकते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग वो कितनी रही है? अगर घर का काम मिला है घर पे बच्चे को करने के लिए, तो वो हमेशा से एक रहा है कि आपको बच्चे के साथ बैठना है, देखना है उसको तो क्या क्या काम मिले हैं, है कि उस चीज को मॉनिटर करें, जैसा उन्होंने कहा कि घर पे डेफिनेटली, हाँ घर पे डेफिनेटली, लेकिन स्कूल्स में अगर हम बात करते हैं तो स्कूल्स में लैब्स किस तरह से हैं कंप्यूटर की बनाई जानी चाहिए, ताकि स्कूल में जब बच्चे काम कर रहे हैं लैब में बैठ के, तो क्या वो हर चीज एक्सेस कर सकते हैं? अभी अगर अब फौरी तौर पर बात करें तो सेंट मेरी स्कूल जो आपकी आपका स्कूल है, ये सब जो मामले सामने आए, तो क्या किसी तरह के बच्चों के साथ बातचीत, संवाद, काउंसलिंग, समझाने का ये कोई सेशन हुआ है क्या स्कूलों में? डेफिनेटली, और ये हो रहा है एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। डॉक्टर सागर, मानसिक स्तर पे ये गेम भी है जैसे ब्लू व्हेल चैलेंज, उन्होंने कहा कि जैसे ये गेम खेला जा रहा है आपको दिमागी तौर पे ऐसा कैद कर देता है कि आप जानते हुए कि खतरा है आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे जो इंटरनेट रिलेटेड जो गेम्स हैं या सोशल मीडिया है, काफी हद तक उसमें आपके जो मानसिक स्वास्थ्य है उससे जुड़ा हुआ है, और ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। और क्योंकि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ बच्चे या व्यक्ति वल्नरेबल होते हैं मानसिक रूप से, और कुछ जो जो बच्चे और जो बड़े हैं वो चूंकि इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको समस्याएं उसकी वजह से आने लगती हैं मानसिक रूप से। अब हम चर्चा जैसे करते हैं कि इससे क्या क्या समस्याएँ हो सकती हैं, जैसे बताया कि सही बताया कि उनको लत लग गई है, तो कहने का मतलब है बहुत सारे ऐसे जो मानसिक सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे आपकी नींद कम होना, आपके आपका भूख जो है आप कम हो जाती है, खाना कम हो गया, आपका सोशल जो रियल इंटरेक्शन है वो कम हो जाता है, इवन एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइड अटेम्प्ट तक ऐसे किस्से होते हैं। जो बच्चे इसमें आते हैं वो भी उनको कुछ वल्नरेबल होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर उनके अंदर एक बोर्डम है, एक तरह का एक एंजाइटी होती है, एक तरह की सोशल स्किल की कमी होती है कि वो रियल वर्ल्ड में वो दोस्त नहीं बना सकते, तो उन्हें लगता है वो खुशी मिलती है कि मैं एक सोशल मीडिया पे मेरे 500 दोस्त हैं, 1000 दोस्त हैं। कमी जो है वो क्यों पैदा हो रही है? वो अकेलापन या जिसको आपने कहा बोर्डम, वो आजकल 6-7 साल के बच्चे भी वो शब्द जान रहे हैं जो पहले नहीं था, ये क्यों हो रहा है? मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगी इस ब्रेक के बाद। और ये भी कि जो एडिक्शन की बात इन्होंने की, वो एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते, साइकैट्रिस्ट के तौर पे, क्या उसके इलाज
क्या वो मदद मांगेगा तो उसके लिए कोई मदद अवेलेबल है कि मैं ऑनलाइन गेम एडिक्शन जो मुझे हो गई है मैं उससे निकलना चाहता हूँ, तो कौन उसको मदद करने के लिए, कैसे वो छूटती है, क्या वो भी एक लत है जैसे दूसरे एडिक्शन है, उससे डॉक्टरी तौर पर डील किया जाता है, इससे कैसे हम डील करेंगे, इस ब्रेक के बाद बात करेंगे।